हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह के 8 और गाइस आज है यार सोमवार, जो कि है बेलपान का बाज़ार। और अभी तो हम लोग घर में ही है, देख सकते हैं, लेकिन अपना गाड़ी जो है वहां पर रेडी खड़ा हुआ है और छोटू भी यहां पर बैठ के मोबाइल चला रहा है यार, देख सकते हैं। और ये देखो गाइस, आज तो पानी गिरा है रात को भी और कल भी, देख सकते हैं अभी ज़मीन पूरा गीला गीला है, इधर भी है और अभी भी पूरा बादल छाया है, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर बचे हुए सब्जी को तोप ढाँक के रखते हैं, यहाँ पर आलू और नहीं बैंगन और टमाटर रखा हुआ है। और ये देखो गाड़ी भी पूरा रेडी हो चुका है। ये देखो उधर बहुत ज़्यादा ऊपर लगता है यार, एकदम पहाड़ चढ़ने जैसा है यहाँ पर। तो छोटू बैठ भी गया है यार गाड़ी में, देख सकते हैं। अब चलते हैं सीधा। आज तो पूरा खाली है गाइस, जहाँ पर गाड़ी खड़ा कर लो पूरा खाली है। मात्र दो गाड़ियाँ है और वहाँ पर सब्जी आता है उससे करके 3-4 गाड़ी है और इस साइड पूरा खाली है। यहाँ पर अपना गाड़ी खड़ा करते हैं इस बगल। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी और गाइस 8:30 बजे है यार, इतना जल्दी पहुँच चुके हैं कि अभी पूरा मंडी खाली है, सब्जी वाला भी बहुत कम आए हैं। तो गाइस हमने ले लिया है लाल भाजी और आलू और ये देख सकते हैं गाइस अपना गोभी है यार, 9.5 रुपये किलो खरीदी रेट पड़ा है, जो कि 46 किलो है, एक बोर इसमें रख दिया हूँ। और ये रहा यार अपना आलू, देख सकते हैं। और आलू का तो रेट अभी नहीं पूछ पाया यार छोटू से क्या रेट का है, देख सकते हैं, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है आलू का। तो गाइस अभी बज चुका है शाम के 3 और आज है गाइस सोमवार, जो कि है बेलपान का बाज़ार। और जा रहे हैं यार, चलते हैं फिर क्या के सब्जी है बाजार में ही चल के दिखाऊंगा। अभी तो यार अपना गाड़ी पूरा लोड है, जो घर में बचा हुआ था सब्जी उसको भी गाड़ी में ही डाल दिया और सब्जियों को ना बाजार में ही छोड़ के भी आए। और गाइस देख सकते हैं यार पानी भी गिर के छोड़ दिया है, इस साइड भी देखो रोड पूरा गीला हो चुका था, जो सूख गया था वो। और ये रहा अपना छोटू ब्रो, भी आ चुका है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बेलपान का बाजार और चलो गाइस लगाते हैं अपना दुकान। तो गाइस अपना दुकान लग के रेडी हो चुका है, चलो यार सब्जियों का रेट बता देता हूं। देख सकते हैं गाइस लाल भाजी रखा हूं 20 का 5 जुड़ी और पालक भाजी कल का ही है 10 का 10 जुड़ी दे रहा हूं। और आज लाया है मुनगा को दे रहा है 20 रुपये जुड़ी और इधर देख सकते हैं 150 जुड़ी में ना, मतलब 150 सैकड़ा में 150 जुड़ी लाल भाजी लेकर आया है और क्वालिटी तो काफ़ी मस्त क्वालिटी है। और 20 का 5 ही रखा हूँ और पत्ता गोभी है अपना, देख सकते हैं वो है 11 रुपये नंग का, 15 ही बेच रहा हूँ। और ये मुनगा है 50 रुपये किलो का मुनगा है और धनिया को दे रहे हैं 5 रुपये जुड़ी, देख सकते हैं ये धनिया कल की है और आज लाए है वहाँ पर है बीच में। और प्याज बेच रहा है 20 रुपये किलो और टमाटर है 15 रुपये किलो, आलू भी है 15 रुपये किलो और वहाँ पर है गाजर, उसको दे रहे 20 रुपये किलो। और मुनगा भी है, मुनगा को भी दे रहे हैं वहाँ पर भी 20 रुपये जुड़ी। गोभी है 20 रुपये किलो और ये वाला मिर्ची 10 रुपये पाव है, धनिया मेथी भी है, पत्ती वाला फल वाला देख सकते हैं इधर है फल वाला। और ये देख सकते हैं गाइस ये बैंगन कल की है, एकदम कलर डाउन नहीं हुआ है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, 30 रुपये किलो ही बेच रहे हैं। टमाटर है 20 और ये लौकी को अभी बाजार मिल गया, इसको बेच रहे हैं 10 रुपये नंग बेच रहे, ज़्यादा नहीं बेचेंगे। मिर्ची 10 रुपये पाव है, गोभी 20 रुपये किलो है, ये धनिया मेथी यहाँ पर भी है, मिर्ची भी है, अदरक भी है। तो गाइस आज का भी दुकान वहाँ से लाल भाजी से लेकर के पूरा वहाँ तक लगा है, बैंगन और लौकी तक वहाँ तक। और ये देखो मटर भी है, मटर 40 रुपये किलो दे रहे हैं, ये देखो बेच भी दिया छोटू आधा किलो अभी तो। मुनगा है 20 रुपये जुड़ी, पालक भाजी है 10 के 10, लाल भाजी है 20 के 5। तो गाइस पहला बोनी तो हो चुका है, सब तौल मरी थे ना फिक्स। मुनगा का शुरुआत तो बढ़िया हुआ गाइस, अब देखते हैं सारा मुनगा बिक पाता है कि नहीं। मेरे पास है 80 जुड़ी और छोटू के पास है 25 जुड़ी और देखते हैं सभी मुनगा बिक पाता है कि नहीं। भाजी एकदम बेस्ट क्वालिटी की भाजी लाए हैं आज, 20 के 6 दे दिए गाइस, देख सकते हैं तो भी बोल रहे हैं 20 रुपये जुड़ी मुनगा। हाँ कुछ मुनगा 20 रुपये जुड़ी।
20 रुपए किलो प्याज, 20 रुपए किलो है, 5 किलो है, 2 किलो टमाटर ₹15 पत्ता गोभी आप कुछ लगा चार मुनगा 15 रुपया जुड़ी, 15 रुपया जुड़ी भाई, 15 रुपया जुड़ी। हाँ मुनगा 20 वाले 15 हो गए, 15 हो गए। विदेशी विदेशी विदेशी। तो गाइस देख सकते हैं मात्र 3 कुड़ा लाल भाजी बचा हुआ है ऊपर में, और ये देखो नीचे में 10 का बचा है, 10 का 3 और पालक भाजी बचा हुआ है। इतना सारा भाजी को 20 रुपये में दे रहा हूँ तो भी लेने वाला नहीं है, लेकिन यार इतना जो बचा है उसको बेच के रहूँगा। और मुनगा मस्त बिका है, देख सकते हैं आधा से भी कम हो चुका है, 80 जुड़ी था यार, गिन के बताऊँगा तब पता चलेगा कितना बिका है। और पत्ता गोभी भी आधा हो चुका है, 19 नंग बचा है जो कि यार 54 नंग था। और ये देखो टमाटर बचा हुआ है 1 कैरेट के आसपास, आलू भी बचा हुआ है यहाँ पर छोटू के पास, और थोड़ा सा गाजर है, गाजर मस्त बिका है। और बाजार जो है खाली होने के वो देख सकते हैं पूरा खाली हो रहा है बाजार। तो गाइस बाजार तो पूरा खाली हो चुका है और पूरा सब्जी नहीं बिक पाया है, थोड़ा थोड़ा सब्जी एकदम बचा हुआ है, लेकिन ना आज का बाजार ठीक है, मस्त बिका सब्जियाँ। और बचे हुए सब्जी को उठाते हैं, उससे पहले क्या क्या सब्जी बचा है उसको दिखा दे। तो गाइस ये देख सकते हैं, अरे मेरा लाल भाजी नहीं बिक पाया, 3 कुड़ा बच गए हैं, और पालक भाजी पूरा खत्म कर दिया, सबको 10 में दे दिया 50 जोड़ी को। और ये देखो इस भाजी की, ये है बर्रे भाजी, इसको अभी घर खाने के लिए लिया यार इससे, इस अंकल जी से देख सकते हैं, इसका घर कहीं है तो ले लिया सब्जी खाने के लिए। ये वाला भाजी बहुत कम लाते हैं ना। और मुनगा ये देखो बचा हुआ है, पत्ता गोभी भी कितना नंग बचा है, 3 3 6 2 8
आठ नौ नंग बचे हुए हैं। और देखो टमाटर बचे हैं, छोटू ठार है यार सब्जियों को, प्याज भी बचे हैं, आलू भी बचे हैं, लेकिन आज का बाजार जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इतना तो हमारा रोज बचे है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज है यार बुधवार, और गाइस मैं सोमवार का दिन का ब्लॉग आज एंड करूंगा यार, क्योंकि यार उस दिन भी सब्जी बच गया था, अच्छा तरीके से नहीं बिका था, और यार रोज रोज सब्जी नहीं बिकता है, अपना हिसाब किताब भी नहीं बैठता है, इसलिए ना पूरा सब्जी बिक जाने के बाद आज जो ब्लॉग है उसको एंड करूंगा यार। अब कितने का प्रॉफिट हुआ है और कितने का सब्जी लेकर आए थे उसको बताऊंगा फिर। और गाइस सोमवार के दिन की ना सब्जियों की बात करते यार, उस दिन तो बाजार वैसे ठीक ठाक रहा, लेकिन यार सब्जी भी बच गया था, और टोटल सब्जियों की बात करते यार हम लोग ना 10,300 रुपए की सब्जी लेकर गए थे, और गाइस उस दिन हमने ना 8,000 रुपए का सेल किया था, हमको प्रॉफिट नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा सब्जी बचा हुआ था। तो और कल बेचे यार मंगलवार के दिन सब्जी को, तो सब सब्जी बिक गया है और अपना प्रॉफिट भी हो चुका है। तो गाइस 10,300 रुपए की सब्जी बेचने के बाद यार हमको ना मात्र 1,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो भी दो दिन में यार, क्योंकि यार कल तो बाजार एकदम लो रहा, कल का भी जितना का नहीं उतना में एकदम सस्ता में बेच दिया, तो हमको ना बहुत कम प्रॉफिट हुआ है यार, और बाजार भी नहीं चलता है यार, वीडियो बनाने का इस समय मन भी नहीं कर रहा है, रोज रोज सब्जी भी नहीं बिक रहा है, थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं वो भी नहीं बिकता है यार, तो मजा नहीं आता है रोज रोज उसी को बता रहे। तो गाइस दो दिन में बस इतना ही प्रॉफिट हुआ है यार, और आज है यार बुधवार, आज भी आ चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी, देखते हैं यार क्या क्या सब्जी लेकर जाते हैं। और वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आज का भी ब्लॉग वीडियो यहीं पर एंड करता हूं। आई होप कि आप लोग आज के वीडियो पसंद आए होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आज के वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम गाइस।